आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। में आज कैबिनेट बैठक ओमिक्रोन के चलते वर्चुअली मीटिंग, सुबह 11 बजे कैबिनेट की होगी बैठक। सीएम योगी ने 10वीं तक के सभी स्कूल किए बंद, 16 जनवरी तक बंद रहेंगे सभी स्कूल, 11वीं 12वीं के बच्चों की पढ़ाई होगी ऑनलाइन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का अयोध्या दौरा, आज रामलला और हनुमानगढ़ी का करेंगे दर्शन पूजन। सपा और रालोद की अहम बैठक आज, अखिलेश जयंत सीट शेयरिंग पर कर सकते हैं बैठक। चंडीगढ़ के पीजीआई में बिगड़े हालात, 2 दिन में 146 डॉक्टर और कर्मचारी कोरोना संक्रमित। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। फरुखाबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आवास विकास तिराहा पर पीएम की सुरक्षा में चूक मामले को लेकर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में नाराजगी जाहिर की है, जिसके चलते सबने मिलकर पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का पुतला फूंक कर जमकर नारेबाजी की। साथ ही बीजेपी जिलाध्यक्ष ने कांग्रेस और पंजाब सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए और पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को कांग्रेस और सोनिया गांधी का षड्यंत्र बताया। प्रधानमंत्री इस देश के 130 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं, और चुनी हुई सरकार यदि चुनी हुई सरकार के प्रतिनिधि के साथ इस प्रकार का व्यवहार करे, ये अमानवीय है, ये अक्षम्य है, इसको माफ नहीं किया जा सकता है। ये पंजाब सरकार की पूर्णता साजिश है। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी सुरक्षित अपने वापस गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। पूरी तरीके से कांग्रेस सरकार की कुछ और साजिश थी, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं धन्यवाद करता हूँ पंजाब सरकार को कि मैं जिंदा लौट आया, इस बात में सब कुछ कह दिया है और ऐसी चूक बर्दाश्त नहीं होगी। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? ये आपने जघन्य पाप किया, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। आप चुनाव हारेंगे तो आप ऐसा करेंगे? ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा, इसका जवाब आपकी पंजाब की जनता देगी। पुलिस लाइन गाजीपुर में प्रचलित रिक्रूट महिला आरक्षियों का 6 माह का प्रशिक्षण सकुशल संपन्न हुआ, जिसमें 198 रिक्रूट महिला आरक्षी सफलतापूर्वक इस अपना प्रशिक्षण पूरा कर चुकी हैं। इस दौरान पास आउट हुई और विभिन्न श्रेणियों विषयों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली महिला आरक्षी को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर भव्य दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र सुरेंद्र कुमार भगत ने पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया और मान प्रमाण दिया। गोरखपुर में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। जनपद में कोरोना के प्रति पूरे तरीके से लापरवाही बरती जा रही है, जहां एक साथ 22 संक्रमित मरीज मिले हैं, यहां लोग कोरोना के प्रति पूरी तरीके से लापरवाही बरत रहे हैं। बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, बिना मास्क के भारी संख्या में घरों से बाहर निकल रहे हैं। बात करें वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीनेशन सेंटर पर भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जिला प्रशासन भी कोरोना के चलते सख्ती नहीं बरत रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना की बात करें तो कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। लगातार उत्तर प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। बात करें गोरखपुर जनपद की तो गोरखपुर जनपद में आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। विगत 1 तारीख को मात्र 1 कोरोना संक्रमित मरीज गोरखपुर में मिला था, उसके बाद 3 तारीख को यह आंकड़ा बढ़कर 17 हो गया और 4 जनवरी को गोरखपुर में 22 कोरोना संक्रमित मिले। अब गोरखपुर जनपद में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 39 हो गई है, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं गोरखपुर में एक तरीके से कोरोना का बम फूट चुका है। लोगों की बात करें तो लोग बेधड़क घरों से निकल रहे हैं, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, ना मास्क है, तो लोग बेपरवाह पूरी तरीके से बने हुए हैं। उनको ये अंदाजा ही नहीं है कि कोरोना का जो तीसरा लहर है वो उत्तर प्रदेश में दस्तक दे चुका है। लोग आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये जो शहर में निकलने वाला भीड़ है पूरी तरीके से बेवजह लोग सड़कों से बाहर निकल रहे हैं, किसी ने भी मास्क नहीं लगाया है। अधिकतर लोगों ने मास्क लगाया है तो मास्क उन्होंने नीचे कर लिया है।
और जो पुलिस प्रशासन है, जो सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था अभी जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन के द्वारा टाइट नहीं की गई है, सख्त नहीं की गई है। ऐसे में लोग बेधड़क कोरोना जो गोल लाइन है उसका पूरी तरीके से जम के धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, बिना मास्क के बेवजह सड़कों से निकल रहे हैं। गोरखपुर में 22 मरीज मिल चुके हैं, बावजूद इसके लोग अभी भी सजग नहीं हुए हैं, बिना मास्क के बिना सोशल डिस्टेंसिंग के बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं। बात करें वैक्सीनेशन प्रक्रिया की तो गोरखपुर में वैक्सीनेशन प्रक्रिया एक बार फिर तेज हो चुके हैं। चूँकि कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा था, लोगों में डर था, अब लोग भारी संख्या में बूथों पे और जो वैक्सीन सेंटर है वहाँ जाके वैक्सीन लगवा रहे हैं। बावजूद इसके अभी भी लोगों के मन से डर पूरी तरीके से हावी नहीं हो पाया है। लोग कोरोना के प्रति लापरवाह हैं और मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं। इसका खामियाजा कहीं ना कहीं आम लोगों को भुगतना ना पड़ जाए। अब देखते हैं जिला प्रशासन या सरकार कितनी शक्ति बरतती है ताकि इस कोरोना जैसी महामारी से फिर एक बार लोगों को निजात मिल सके। प्राइम टीवी के लिए गोरखपुर से गोविंद कुशवाहा। खबर अलीगढ़ से है जहां अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सलमान इम्तियाज ने धर्म सांसद का विरोध किया है जो 22-23 जनवरी को अलीगढ़ में होने जा रही है। इसके विरोध में सलमान इम्तियाज ने जिलाधिकारी से इसे अनुमति नहीं दिए जाने की मांग की है और साथ ही राष्ट्रपति और गवर्नर को पत्र भी लिखा है। वहीं सलमान इम्तियाज ने कहा कि इसको धर्म संसद बिल्कुल नहीं मानते हैं क्योंकि ये किसी खास मजहब का सहारा लेकर उसको बदनाम करता है। हम इसको आतंकी संसद कहते हैं क्योंकि ये आतंक फैलाने का काम कर रहा है, ना कि किसी धर्म को फैलाने की बात कर रहा है। जो भी चंद रोज पहले हरिद्वार में एक प्रोग्राम हुआ था तो उसी के विरोध में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, क्योंकि ऐसा अखबारों के माध्यम से महसूस हुआ है, सुनने में आया है कि 22-23 जनवरी को एक संसद यहाँ भी लगने वाली है और मैं उसको धर्म संसद का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं किसी मजहब को बदनाम नहीं करूँगा। ये बेसिकली धर्म की संसद कतई नहीं थी, ये आतंक की संसद थी। आतंक को बढ़ावा दिया जा रहा था, एक खास कम्युनिटी के जिनोसाइड की बात की जा रही थी। और मेरी ये दरख्वास्त है राष्ट्रपति जी से कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए और इन लोगों पे देशद्रोह के वो मुकदमे लगने चाहिए। वही अब खबर रामपुर से है जहां बिलासपुर विधानसभा में सपा कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी सांसद आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम की रिहाई को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता संतोष शर्मा के नेतृत्व में बिलासपुर के महेश गार्डन में सपा कार्यकर्ताओं ने एक विशाल सभा का आयोजन किया जिसमें सैकड़ों की तादाद में सपा कार्यकर्ताओं ने मौजूद रहे। प्रदेश के बाद सभी सपा कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च करते हुए रैली निकाली, जिसके बाद उप अधिकारी बिलासपुर को राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया जिसमें समाजवादी पार्टी सांसद आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान की रिहाई की मांग की गई है। संतोष भाई, आपने यहां पे प्रदर्शन किया है, किन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है? हमारी खास मांग क्या है कि यहां पर रामपुर जनपद के लोकप्रिय सांसद व उनका परिवार जेल में बंद है और वो भी सरकार ने दिवसवश बंद कर रखा है। मतलब एक द्वेष बस बंद है, सरकार बदले की भावना से बंद किए हुए है जो कि बिल्कुल गलत है। उनको रिहा किया जाए और वो यहाँ पर चुनाव का माहौल है वो आएं और लोकतंत्र को बचाने में पूरे वो काम करेंगे। लोकतंत्र खतरे में है और देश के और प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था चौपट है। जो आपने अभियान चलाया उसके बारे में थोड़ा बताएं। एक्चुअली वो अभियान हम पिछले 6 महीने से चला रहे हैं, गाँव चलाया हमने, हस्ताक्षर कराए और हस्ताक्षर भी रामपुर की जो जनता ने किए बड़े उत्साह के साथ किए, बड़ा एक्साइटमेंट के साथ उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। सब लोग चाहते हैं कि आजम खान साहब रिहा। एक तरफ जहां पूरा विश्व ओमिक्रोन और कोरोना वायरस के खतरे से लड़ रहा है और इसको देखते हुए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है, लेकिन इसके बावजूद भी जिम्मेदार आंखें मूंद कर बैठे हैं। ऐसा ही एक मामला कुशीनगर जनपद से सामने आया है जहां जिलाधिकारी कार्यालय के सामने बाबा जय गुरुदेव ने एक विशाल सत्संग का आयोजन किया जिसमें हजारों की संख्या में उनके अनुयायी जुटे और कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई।
खबर मिर्जापुर से है, जहां रेलवे स्टेशन पर आयोजित समारोह के साथ केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने करीब 6.5 लाख की लागत से निर्मित 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके अलावा विंध्याचल रेलवे स्टेशन पर 2 यूनिट लिफ्ट लोकार्पित की। वहीं उन्होंने व्यापारियों के यहां पड़ रहे छापे पर कहा कि ये नियमित प्रक्रिया है, जब गलत नहीं किया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। मिर्जापुर जनपद में भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय की ओर से निरंतर यात्री सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है और आज हमारे रेलवे विभाग की तरफ से एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्य मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन पर किया गया है। 6.5 लाख रुपए की लागत से 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज की, हमारे तिरंगे की स्थापना मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन परिसर में की गई है, जो निरंतर यहाँ पर आने जाने वाले सभी जनपद वासियों को और वो तमाम लोग जो यहाँ दूसरे स्थानों से आते हैं, इस ध्वज को देखकर एक राष्ट्रीय गौरव के एहसास को निरंतर पैदा करेगा। साथ ही विंध्याचल रेलवे स्टेशन पर 55 लाख प्रति यूनिट की लागत से 2 लिफ्ट स्थापित की जा रही हैं हमारे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे और प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 पे, जो खास तौर से हमारे जो वृद्ध जन है और जो दिव्यांग जन है उनके लिए बहुत बड़ी सुविधा प्रदान करेगी। तो आज ये 2 महत्वपूर्ण कार्य हमारे दोनों मिर्जापुर और विंध्याचल। हाथरस की तहसील सिकंदर राव कोतवाली क्षेत्र के कासगंज रोड पर स्थित गांव खेमगढ़ी में खेतों में एक शव दबा हुआ था, जिसे कुत्तों के द्वारा खोदकर बाहर निकाल दिया गया। जंगल की ओर से जा रहे ग्रामीणों की नजर जब शव पर पड़ी तो हड़कंप मच गया। ये शव किसी 2 या 3 साल के बच्चे का नहीं होने का अनुमान लगाया जा रहा था। तो इस सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब जेसीबी मशीन मंगवाकर खुदवाई करवाई, तब मालूम चला कि शव बच्चे का नहीं, लगभग 22-23 साल की युवती का है। शव निकालने के बाद लोगों की चर्चाओं का दौर जारी है। पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस पर भिजवा दिया गया है और युवती के शव की शिनाख्त करने में पुलिस जुट गई है। तो हाथरस से खबर सामने आ रही है, जहां जंगल में युवती का शव दबा हुआ मिला और एक जानवर द्वारा, कुत्ते द्वारा इसे बाहर निकाला गया था, जिसके ऊपर ग्रामीणों की नजर पड़ी। आपको बता दें कि हाथरस की तहसील सिकंदर राव कोतवाली क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। कासगंज रोड पर स्थित गांव खेमगढ़ी में खेतों में एक शव दबा हुआ था, जिसे कुत्तों ने खोदकर बाहर निकाल दिया था। जंगल की ओर जा रहे ग्रामीणों की इस पर नजर पड़ी तो हड़कंप मच गया और शव किसी 2 या 3 साल के बच्चे का होने का अनुमान लगाया जा रहा था। वहीं सूचना पर जब सिकंदरा राव पुलिस पहुंची और जेसीबी मशीन मंगवाकर खुदाई की गई तो सभी हैरान रह गए, क्योंकि 22-23 साल की युवती का शव मिला है। इस खबर पे हमारे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता मयंक जुड़ चुके हैं। मयंक, क्या जानकारी आपके पास है, ये क्या इसकी जानकारी हो पाई है कि ये किस महिला का शव है? जी, मैं आपको बताता हूँ, अभी इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है और इसमें गांव के कुछ लोग यह भी बता रहे हैं कि तहसील सिकंदर राव कोतवाली क्षेत्र के कासगंज रोड पर स्थित खेड़ा में ही खेतों में एक शव मिला है और वह उन्होंने सूचना, जब कुत्ते उनको खचेड़ के ले जा रहे थे तो उसकी सूचना उसको मिली और सूचना मिलने के बाद उन्होंने पुलिस को भी दी। जी सिका जी, तो मयंक ऐसा अनुमान क्यों लगाया जा रहा था कि किसी बच्चे का शव है? क्योंकि उसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही थी और जो युवती का जो शव मिला है वह कुछ खेतों में लिप्त मिला हुआ है और उसकी जो मिट्टी वगैरह। हाँ जी जी, अब इस मामले में पुलिस क्या एक्शन ले रही है, किस तरह से शिनाख्त कर रही है महिला के शव की? पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जैसे ही सूचना मिलेगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता मयंक जुड़े थे। अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस ने जनपद में हुई 2 लूट का खुलासा किया है। दोनों लूट में शामिल कोतवाली, बीकापुर, हैदरगंज और स्वाट टीम ने 8 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इनके पास से लूटे गए नकदी रकम, लैपटॉप, मोबाइल और अवैध असलाह बरामद किया गया है। घटना को लेकर SSP शैलेश पांडे ने बताया कि 17 दिसंबर को एक जनसेवा केंद्र संचालक से 1 लाख रुपए, मोबाइल, लैपटॉप लूट की गई थी। इस मामले में 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही कोतवाली बीकापुर क्षेत्र में मोबाइल लूट के मामले में पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी लुटेरे अयोध्या और सुल्तानपुर के रहने वाले हैं।
27 दिसंबर को एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो बैंक के चलते हैं उनके संचालक के साथ लूट की घटना हुई थी। उस लूट में लैपटॉप, मोबाइल फोन तथा लगभग 1,00,000 कैश उनके द्वारा बताया गया था लूटा गया था। संबंधित प्रकरण में घटना का अनावरण जनपद की स्वाट टीम और थाना हैदरगंज की टीम ने संयुक्त रूप से एसपी आरए और सीओ बीकापुर के नेतृत्व में इन्होंने किया है और इसमें 5 अभियुक्त कुल गिरफ्तार किए गए हैं। ये पूरा का पूरा गैंग को लीड अंबिका यादव जो थाना कूड़ेभार जनपद सुल्तानपुर क्षेत्र का रहने वाला है वो और उसके 4 साथी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। घटना में लूटे गए लैपटॉप, मोबाइल, 90,000 कैश तथा आर्म्स। खबर बुलंदशहर से है जहां नाबालिग छात्रा की ट्रैक्टर से कुचलकर मौत हो गई तो वहीं मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए शिकायतपुर के परशुराम चौक पर आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मेरठ बदायूं हाईवे को जाम कर दिया है। जिसके बाद सीओ शिकारपुर, एसडीएम और कोतवाली पुलिस सहित अन्य थानों के पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाने बुझाने में जुटी। वहीं परिजनों ने 3 लोगों के खिलाफ थाने में हत्या की तहरीर दर्ज करवा दी है। आप लोग जाम क्यों लगा रहे हैं? क्या पुलिस आपकी सुनवाई नहीं कर रही है? और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता शिवांग जुड़ चुके हैं। शिवांग, क्या है पूरा मामला? आखिर जाम लगाने की प्रदर्शन करने की नौबत क्यों आई? क्षेत्र के अंतर्गत का है जहाँ पर एक छात्र जो है अपने घर पर जा रहा था, रोड क्रॉस कर रहा था, तभी वहां पर एक ट्रक आता है और उस छात्र को कुचल कर चला जाता है। गुस्साए ग्रामीणों ने वहां पर जब उनको पता चलता है तो एकदम गुस्से में आते हैं, पुलिस के बैरिकेडिंग को वहां पर लगा देते हैं, सारा जाम चक्का जाम कर देते हैं। उसके बाद वहां पर वो गुस्साए ग्रामीण किसी को भी वहां पे वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरीके से रोक लगा देते हैं। ग्रामीणों में काफी रोष नजर आ रहा है और पूरी तरीके से देखा जा सकता है कि जो ग्रामीण है वो पुलिस की भी बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लेकिन पूरे मामले पर फौरन तौर पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तमाम इस पर संज्ञान लिया है और वैधानिक कार्रवाई आगे की तरफ की जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शिवांग हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए बुलंदशहर से हमारे साथ संवाददाता जुड़े थे। खबर रायबरेली से है जहां तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से 10 वर्षीय बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिसे आनंद फानंद में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सलोन ले जाया गया जहां पर डॉक्टर सत्येंद्र त्रिपाठी ने जांच कर उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सर, नाम और परिचय? मेरा नाम डॉक्टर सत्येंद्र त्रिपाठी है, मैं यहाँ पर पीएससी सलोन में कार्यरत हूँ, एमओके। सर, एक बच्चे को यहाँ लाया गया था अभी? हाँ, जो है अभी लगभग 1 घंटे पहले एक पेशेंट बच्चा लाया गया था, जिसका नाम बच्चा था वो ब्रॉडकास्ट था हमारे। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।